नगर पंचायत स्थित चंद्रावती स्मारक उच्च विद्यालय पानी टंकी मैदान में सोमवार को आईपीएल की तर्ज पर T20 डोम चांस प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस DPL का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी व विधायक गीता यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य शांति प्रिया मरकच्चो, जिला पंचायत सदस्य राजकुमार यादव, प्रखंड प्रमुख सत्यनारायण यादव, नगर अध्यक्ष राजकुमार मेहता, नगर उपाध्यक्ष पप्पू मेहता मौजूद थे। सभी अतिथियों का स्वागत युवा शक्ति एक नई सोच के सदस्यों के द्वारा पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से जिले में खेल का एक बेहतर माहौल तैयार होगा। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर युवा अच्छी मुकाम हासिल कर जिला का नाम रोशन करें, युवा दिशाहीन और दिग्भ्रमित होने से बचेंगे। उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने युवा शक्ति एक नई सोच की भूमिका को सराहा। विधायक मीरा यादव ने कहा कि इस तरह के इवेंट से युवा खेल के माध्यम से भी अपना जीवन संवार सकेंगे। खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। खेल से शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होता है। खेल से लोगों में आपसी भाईचारा, प्रेम, एकता और अनुशासन बढ़ता है। वहीं नगर उपाध्यक्ष पप्पू मेहता ने कहा कि युवा शक्ति के द्वारा इस तरह का भव्य टूर्नामेंट का आयोजन सराहनीय है। युवा शक्ति एक नई सोच के पदाधिकारी सुजीत कुमार ने कहा कि तर्ज पर शुरू हुए इस टूर्नामेंट के लिए जिले से उभरते क्रिकेटरों का भविष्य संवर सकता है। बताते चलें कि इस टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग लेंगी, जिसमें सभी टीमों का अपना अपना स्पॉन्सर है। डोमचांद डायमंड के स्पॉन्सर पप्पू मेहता, जयनगर 11 के प्रदीप मेहता, राज धनवार रॉयल्स के उदय मेहता, पावरफुल पिक्चर के संजय मेहता, कोडरमा किंग्स के प्रमांशु कुमार पहलवान, 11 घोड़थमा के शिवनाथ यादव, तिलहिया टाइटंस के खालिद खलील, बॉलीवुड गुमो के स्पॉन्सर मोहम्मद शहजाद। वहीं फाइनल में विजेता टीम को 50,000 व उपविजेता टीम को 25,000 व मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। डोमचांद से संदीप कुमार की रिपोर्ट। मंच साझा होगा और आगे बेहतर प्रदर्शन करें। डोमचांद में एक नई सोच उभर के आई है और नाम दिए हैं युवा शक्ति एक नई सोच, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी सोच निश्चित रूप से नई नहीं है। ये अच्छे काम करते हैं, समाज के हित के लिए कार्य करते रहते हैं, लगातार कुछ ऐसे वर्क जो कि आज समाज को अच्छाई की ओर ले जाता है। आप देखते हैं शहीद स्थल में जब दीप प्रज्वलित की बात होती है, दीप जलाने की बात होती है, एक दिया शहीदों के नाम, उसमें ये बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जो तिरंगा यात्रा निकलता है उसमें भी ये भव्य रूप से उसका कार्य करते हैं। गरीब बेटियों की शादी की बात हो या किसी प्रकार की आर्थिक मदद हो, किसी प्रकार की भी जरूरत होती है, तो ये युवा टीम एक अच्छी सोच के साथ हर एक कार्यों में आगे बढ़ते हैं। और आज देखिए यहाँ पर डोमचांद प्रीमियर लीग की आज उद्घाटन हुआ है। इसमें सिर्फ राज्य नहीं बल्कि बिहार, भुवनेश्वर और कई कई जगह से अभी बता रहे थे टीम के सदस्यगण कि वहां से भी सभी खिलाड़ी आएंगे। तो एक अच्छी सोच के साथ ये उभर के आ रहे हैं। हमारा आशीर्वाद, इनको शुभकामना है कि अच्छी सोच के साथ ये आगे बढ़े। अच्छा डोमचांद होगा तो हमारा अच्छा प्रोग्राम। मैडम डोमचांद ताकि युवाओं को भी एक बेहतर प्रदर्शन। आपको पता है कि यहाँ बीचों बीच एक 11,000 वोल्ट का तार था, तो पहले भी जब हम यहाँ आते थे डिमांड होता था कि ये तार हट जाता तो यहाँ पर एक अच्छा सा बड़ा सा स्पेसियस हो जाता ताकि लोग यहाँ अच्छे से पाते। यहाँ पर 11,000 वोल्ट का जो तार था, पोल था, उस सारी चीजों को यहाँ से हटाया गया, और उसको हटाने के बाद हमने यहाँ पर स्टेडियम निर्माण के लिए भी बात को रखा है। और हालांकि ये काम आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन फिर से इस बार भी हमारा प्रश्न चला गया। हालांकि अभी हम नहीं बोलते, आप पूछे तो हम बता दिए, क्योंकि ये हमारा विधानसभा सत्र का प्रश्न है और उसमें हमने यहाँ पर स्टेडियम का डिमांड किया है, जिससे कि यहाँ पर खिलाड़ियों को और आगे बढ़ने के लिए उनको मदद मिल सके। बहुत ही अच्छा आयोजन क्रिकेट प्रीमियर लीग लगातार कई वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसके माध्यम से सिर्फ कोडरमा जिला नहीं बल्कि और झारखंड के कई जिले यहाँ खिलाड़ी भाग लेते हैं और बहुत सिस्टम से बहुत अच्छे ढंग से इस मैच का आयोजन होता है। इसके साथ ही साथ जो ये युवा शक्ति एक नई सोच जो इस बैनर तले जो टीम है कमेटी के सदस्य हैं, उनके द्वारा खेल के अलावा भी सामाजिक कार्यों में भी उनका हमेशा योगदान रहता है, और हमारी शुभकामना है कि इसी तरह युवाओं की सोच नए काम के लिए नई ऊर्जा के साथ
हमेशा से बना रहे ताकि हमारा समाज और आगे बढ़े और समाज के अंदर जो व्याप्त कुछ बुराई है उसको भी दूर करने में ये युवा शक्ति आगे बढ़कर काम करेगी। क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि जिस और युवा जाता है जमाना उसी और जाता है उसके पीछे, तो युवाओं में बहुत शक्ति है और बहुत अच्छी शुरुआत इन्होंने कई वर्षों से इन लोगों ने जो की है बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे इस छोटे से फील्ड के माध्यम से इन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और हमारी शुभकामना कि इसी तरह से खेल के हमारे बच्चे सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि देश और दुनिया में भी अपना नाम रोशन करें, ये हमारी शुभकामना। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।